पिता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बड़ी बात है कि फ्लैग कोड को हटा दिया गया है और हर व्यक्ति को ये राष्ट्रीय उत्सव मनाने का मौका मिला है, क्योंकि ये आज़ादी बहुत मुश्किल से हमें मिली है। सैकड़ों महापुरुषों ने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी को याद करने के लिए, उस आज़ादी को याद करने के लिए हमारे जेहन में आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, जो इन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को अमल किया। आज हर व्यक्ति राष्ट्रीय उत्सव अपने घर में झंडा फहराकर मना सकता है और हर व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने महापुरुषों के, अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, अपनी राष्ट्र के रक्षा के लिए, अपने वीरों की याद के लिए, अपने महापुरुषों के याद के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए अवश्य हर एक झंडा फहराए। आज जो जनसैलाब भारी बारिश के बीच में जो उत्साह दिख रहा था, ये केवल मोदी जी के एक आह्वान पर हुआ है और पूरा राष्ट्र, हर दल, हर लोग इससे जुड़ गए हैं और पूरे राष्ट्र में 15 अगस्त का दिन एक पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक दिन होगा। विश्व के भी बहुत सारे देश में झंडा को लेकर काफ़ी उत्साह है और मैं भी इस राजनगर क्षेत्र से आज नारायण जी के नेतृत्व में जो झंडा रैली निकली है, मैं सबका आह्वान करता हूँ कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में, इस राष्ट्रीय उत्सव में प्रत्येक नागरिक, कमज़ोर हो या अमीर हो, सब शामिल हो। सभी क्षेत्र के लोग झंडा मुहैया करा रहे हैं। जो भी कमज़ोर लोग हैं, जिनको झंडा नहीं मिल पा रहा, हमारे यहाँ के मंडल के अध्यक्ष से, हमारे भाजपा कमेटी से, पोस्ट ऑफिस से झंडा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बावजूद भी किन्हीं को झंडा नहीं मिलता तो हम लोगों से संपर्क करें, लेकिन झंडा हर काम छोड़कर 15 अगस्त को हर घर में झंडा नजर आना चाहिए, राष्ट्रभावना जागृत होनी चाहिए, यही हम अपील करते हैं। धन्यवाद। आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस दौरान पिछले 75 सालों में देश में बहुत सारे विकास के कार्यक्रम हुए और देश, एक समय जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन हम इस देश में सुई भी नहीं बनाते थे और आज इस देश में हमारे जो रॉकेट हैं, हमारे जो सैटेलाइट हैं, वो चांद और शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह सभी जगह जा रहे हैं और इस बीच देश ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रगति की है। इसकी, इन सभी बातों की जानकारी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह संकल्प लिया, यह निर्णय लिया कि नई पीढ़ी को, जो आज़ाद देश में पैदा हुए, उसको इसकी जानकारी नहीं है और इसलिए हम सबों को ये बताना चाहिए, जो हम देश में नेतृत्व करते हैं, समाज में, समाज को नेतृत्व दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं, उन सबों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि पिछले 75 वर्ष में हमने क्या प्रगति की। पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अप्रत्याशित प्रगति की है। सभी क्षेत्र में आज विकास का कायम हो रहा है, गांव से लेकर शहरों तक और आकाश तक, समुद्र के नीचे, धरातल पर और आकाश में विकास के बहुत सारी योजनाएं आज चल रही है और लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम बताने के लिए देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 13 तारीख से 15 तारीख के बीच आज जो हम लोगों ने रैली निकाली, उस रैली का मुख्य मकसद यही था कि 13 से 15 तारीख के बीच गांव के सभी लोग
हर घरों में, अपने अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। और हम जानते हैं कि जब आप गांव में जाएंगे तो साधारणतः स्कूलों में केवल झंडा हम लोग फहराते हैं, हमारे बच्चे फहराते हैं, लेकिन जनता जो आम नागरिक है उसको इसकी जानकारी नहीं होती है कि हम झंडा क्यों फहरा रहे हैं। और इसलिए आज जो हम लोग रैली हम लोग ने निकाला, ये जन जागरण के लिए निकाला, लोगों को बताने के लिए निकाला कि आने वाले 13 से 15 तारीख तक 3 दिन तक लगातार जब हम सुबह 13 तारीख को फहराएंगे तो फिर 15 तारीख की शाम को ही हम उसको उतारेंगे। ये तिरंगा झंडा हम लोग सब कोई अपने अपने घरों में लगाकर आज़ादी के जश्न को मनाएंगे। और देश में के लिए जिन शहीदों ने अपनी आहुति दी उन शहीदों को नमन करेंगे, उन राष्ट्र निर्माताओं को नमन करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, घर छोड़ा, जेल गए और शहीद हो गए, उन सबों को हम लोग स्मरण करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे। इसलिए आज का रैली, आज हम सभी जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, हमारे सरायकेला के उपाध्यक्ष हैं, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री महली जी हैं, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम, आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर राजनगर में हम लोगों ने जुलूस निकाला। लोगों को अनुरोध, हम आज सभी लोग मिलकर अनुरोध करते हैं कि 13 से 15 के बीच अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर जरूर लहराएंगे। धन्यवाद। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर झंडा का नारा को हम लोग चरितार्थ करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी राजनगर प्रखंड पश्चिम मंडल अध्यक्ष नारायण माथुर जी की अध्यक्षता में आज हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो देश के आज़ादी के 75 वर्ष इस अमृत महोत्सव में जिस तरह हमारे मोदी जी ने आह्वान किया है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में झंडा लगना चाहिए, तिरंगा फहरना चाहिए, उसी के निमित्त आज हम लोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि आज तिरंगा घर घर में तिरंगा लगाने का आवश्यकता क्या है। ये देश अंग्रेज हुकूमत से काफ़ी लड़ाई के बाद ये देश का आज़ादी मिला है। उस आज़ादी की लड़ाई में कई हमारे वीर शहीदों ने इसमें बलिदान दिया है, कई लोगों का योगदान रहा है, उसके बाद जाके इस आज़ादी प्राप्त हुआ है। और इस आज़ादी के अमृत उत्सव में इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उस पीढ़ी को हम लोग प्रेरित करना चाहते हैं कि आज़ादी के जिस संघर्ष और बलिदान के बदौलत मिला है उसका ज्ञात हमारे आने वाला पीढ़ी को होना चाहिए। ये हमारा तिरंगा हमारा आन है, हमारा शान है और ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्रीय ध्वज आज हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इस तिरंगा के माध्यम से हम सभी समाज के लोगों को आपके माध्यम से यही आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इस घर घर में एक स्वतः तिरंगा लगाना चाहिए ताकि हम इस देश के निवासी हैं, ये देश आज हमारे लिए गौरव है, तिरंगा हमारे लिए मान और सम्मान और स्वाभिमान है, इसलिए हर घर में एक तिरंगा अवश्य लगाएं।